smart. Hi friends and welcome back to my YouTube channel. How are you all? कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube channel में. आज मैं आया हूँ जीके बजाज शोरूम कुछ compare all new Pulsar 125 and Pulsar 150. Actually friends ये दोनों commuter bikes हैं. इन दोनों bikes को most same है. I thought कि मैं इन दोनों bike के compare review बनाऊँ और इन दोनों bikes को compare करूँ. So अगर आप confused हो कि इन दोनों में से कौन सी bike खरीदें commuting के लिए, तो आपका ये confusion आपका ये doubt solve हो जाए. बिना किसी देरी के let's get started. So my dear viewers, all new Pulsar 125 has entered the Indian market. Pulsar 125 के आने के बाद ही आप सभी के मन में क्वेश्चन तो आ ही गया होगा कि Pulsar 125 खरीद दे या Pulsar 150, क्योंकि दोनों बाइक्स ऑलमोस्ट सेम है, लुक्स तो ऑलमोस्ट सेम है, डिफरेंस है तो उसका इंजन. तो सबसे पहले हम दोनों बाइक के फ्रंट लुक की बात करते हैं. सो ये है Pulsar 125 का फ्रंट लुक, सिंपल एंड अच्छा लुक दिया है बाइक को. एंड फ्रेंड्स वैसे ही दिस इज हाउ द पल्सर 150 लुक्स. दोनों बाइक्स फ्रंट से एकदम सेम दिखती है. पल्सर 125 में आपको ब्लैक एंड ब्लू कलर मिलेगा एंड उसके टैंक पे आपको ब्लू कलर से पल्सर लिखा हुआ मिलेगा. ऑन द अदर हैंड जो पल्सर 150 नियोन एडिशन है उसमें आपको टैंक पे ऑब्वियसली नियोन कलर से पल्सर लिखा हुआ मिलेगा. दोनों के टेल पे आपको 125 एंड 150 लिखा हुआ मिलेगा. फुल सिंगल सीट मिलेगी आपको पल्सर 125 में. एंड ये जो पल्सर 150 का न्यू एडिशन है उसमें भी आपको फुल सिंगल सीट है, लेकिन पल्सर 150 के दूसरे मॉडल आते हैं उसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है. एंड फ्रेंड्स ऑब्वियसली जो स्प्लिट सीट है वो सिंगल सीट के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी दिखती है. क्वालिटी ऑफ स्विचेस इज नाइस ऑन बोथ द बाइक्स. सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑन बोथ द पल्सर 150 एंड पल्सर 125 विच शोज RPM, 1 ओडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज एंड RPM लिमिट लाइट. दोनों बाइक में आपको बजाज के रेकोगनाइज LED टेल लाइट्स मिलेंगी. और फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं कि दिस इज हाउ द एग्जॉस्ट लुक्स ऑफ द पल्सर 150 एंड पल्सर 125. अब बात करते हैं दोनों के इंजन डिस्प्लेसमेंट की. पल्सर 125 में आपको मिलेगा 124.4 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन जो 11.8 bhp ऑफ पावर प्रोड्यूस करेगा एंड 11 Nm ऑफ टॉर्क. इस इंजन की बेस्ट बात यह है कि आराम से 80-85 की स्पीड में चल सकती है बिना किसी वाइब्रेशन के. सो फ्रेंड्स जो पल्सर 125 है उसको आप आराम से 80-85 की स्पीड में चला सकते हो और आपको वाइब्रेशन भी तब फील नहीं होंगे. इन केस ऑफ पल्सर 150 यू विल गेट 149.5 cc सिंगल सिलेंडर 2 spark DTSI इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 14 bhp ऑफ पावर एंड 13.4 Nm ऑफ टॉर्क. अब पल्सर 125 की राइड क्वालिटी की हम बात करते हैं तो द बाइक इज स्मूथ एंड इंजन इज रिफाइंड. पिकअप कम है लेकिन मिड रेंज पंच बहुत ही अच्छा है. फ्रेंड्स 125 cc है तो उतना खास पिकअप नहीं लगा मुझे और उतना खास पिकअप नहीं है, लेकिन इसका जो मिड रेंज पंच है वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ मिड रेंज पंच से. द सीटिंग पोजिशन इज ऑल्सो कम्फर्टेबल, परफेक्ट फॉर सिटी राइडिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल इन स्टॉप एंड गो ट्रैफिक ऑफ सिटी. आराम से आप फ्रेंड्स आप इसको 80-85 की स्पीड अचीव कर सकते हैं एंड थोड़ा ज़्यादा रेव दोगे तो आप इसको 100 भी आराम से पहुँचा सकते हो. ब्रेकिंग इज एवरेज बिकॉज रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे इन फ्रंट में डिस्क, लेकिन फ्रेंड्स इसमें CBS है यानी कि कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम, लेकिन फिर भी ब्रेकिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी एज कम्पेयर टू पल्सर 150. ऑन द अदर हैंड जो पल्सर 150 है वो ऑलराउंड मोटरसाइकिल है विच इज बेटर पावर, बेटर ब्रेकिंग एंड बेटर एफिशिएंसी देन द पल्सर 125. पल्सर 150 में आप टूरिंग भी कर सकते हो, लेकिन जो पल्सर 125 उसमें आपको टूरिंग रिकमेंड नहीं की जाती और उसमें आपको इतना मज़ा भी नहीं आएगा टूरिंग करने में. द पल्सर 125 इज गिविंग अ माइलेज ऑफ अराउंड 55-60 km/l. एंड फ्रेंड्स जो पल्सर 150 है वो माइलेज आपको देगी 50-55 km/l. बोथ दिस बाइक्स मैनेजेस टू गिव अ वेरी गुड एंड बेटर माइलेज. अब फ्रेंड्स हम इन दोनों बाइक्स के प्राइसिंग डिस्कस कर लेते हैं. द ऑन रोड प्राइस ऑफ पल्सर 125 हियर इन भुज इज ₹81,400. पल्सर 150 में आपको तीन मॉडल्स मिलेंगे. फर्स्ट इज पल्सर नियन एडिशन, उसकी प्राइस है ₹89,900. सेकेंड है स्टैंडर्ड मॉडल, उसकी प्राइस है ₹1,02,500. थर्ड है ड्यूअल डिस्क मॉडल, उसकी प्राइस है ₹1,06,000. सो फ्रेंड्स माई वर्डिक्ट इज इफ यू हैव बजट देन डेफिनेटली गो फॉर पल्सर 150, क्योंकि हम सेफ्टी में क्यों कंप्रोमाइज करें. आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है पल्सर 150 में
एंड ऑन द अदर हैंड ABS तो नहीं मिलता पल्सर 125 में, और उसकी ब्रेकिंग भी उतनी खास नहीं है। और लेकिन फ्रेंड्स, पल्सर 125 इज ऑल्सो अ गुड बाइक अगर आपका थोड़ा बजट कम है एंड आपको स्पेशल सिटी के लिए ही बाइक लेनी है, तो पल्सर 125 को ले सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसको चलाने में इन द सिटी, क्योंकि बहुत ही हम बोल सकते हैं कि एक परफेक्ट बाइक है सिटी के लिए एंड ऑल्सो अ बिगिनर बाइक। सो फ्रेंड्स, द चॉइस इज योर्स। सो फ्रेंड्स, दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो कर दो लाइक, एंड फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। और फ्रेंड्स, आई होप कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, आपने डिसीजन ले लिया होगा कि आपको पल्सर 125 लेनी चाहिए या पल्सर 150 लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड राइड सेफ।